हमारे बॉम्बे के सबसे फर्स्ट पेशेंट जुबेर भाई, सॉरी जौहर भाई हमारे विद हिज वाइफ, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग माय डियर। हर साल चूंकि ये मेरे पहले पेशेंट रहे हैं और एकदम भाई जैसा हमारा रिश्ता है इनके साथ, तो मुझे लगता है अभी तक शायद ही कोई ऐसा ईद का समय गया हो जिसमें मैंने इनके घर जाके पूरा परिवार के साथ सेवैया नहीं शेयर करी हूँ। सो दिस वे वी आर लाइक able to reach till this level because all the patients are becoming friends since we are not only poking needles, we just make some love into that. So thank you for being with me. उसके बाद धन्यवाद मेरी धर्मपत्नी को जिन्होंने जिस तरह से मेरा अभी तक साथ दिया, क्योंकि मुझे कभी भी मुझे याद नहीं है कि अब एक्चुअली मैं खार में रहने लगा हूँ सेंटर रोज में, तो 7 घंटे भी सोया होगा नहीं। उसके पहले मेरी लाइफ ऐसी थी कि रात को अगर मैं 12 बजे भी घर पहुँचता तो 5:44 की ट्रेन पकड़नी होती थी, क्योंकि 6:30 मैं मॉर्निंग जौहर भाई के घर पे विजिट करने चला जाता था। 6:30 के बाद 7:30 में मुकेश निलानी साहब के यहाँ पे, ऐसे पूरा पूरा दिन होते हुए मैं 9:45 to 10:30 के बीच की रात की ट्रेन पकड़ता था, और मुझे पता था कि मैं तो थक जाता था, लेकिन मेरे साथ हमारी धर्मपत्नी जिन्होंने सुबह उठ के चाय बनाने से लेके कपड़े रेडी करने तक, तो इनका भी आभार जीवन भर के लिए धन्यवाद। सो सिंस आई टोल्ड यू दैट दिस इज टुडेज डे जस्ट फॉर एक्नॉलेजमेंट, जिसने जो भी जिस तरह से मुझे जिसका जो सहयोग मिला, जो प्यार मिला, जो शिक्षा मिली, सो मेरे पास अभी सारे लोग, अभी हमारी एक बहुत ही क्लोज आंटी बैठी हैं, टेस्टिमोनियल भी देती रहती हैं मेरे लिए, लेकिन उनका भी बड़ा प्यार है हमारे पूरा परिवार, मतलब राइट फ्रॉम टिप टू टॉप छोटे से लेकर बड़े तक से मेरे उनके घर में पेशेंट हैं, और अभी मुझे मेरी पूरी फैमिली है ऐसे मैं बोलूँगा, क्योंकि हर महीने एक बार हमारे पूरे सेवन टीम के लिए इनके यहाँ से बहुत बढ़िया सिंधी कढ़ी बन के आता है, उसके लिए भी धन्यवाद है। एंड इसके बाद आई मेट सुभाष दांडेकर सर, और मैं आपको बयान नहीं कर सकता जिस प्रकार से इन्होंने मेरे लिए मेरे जीवन में रोल प्ले किया है, नॉट ओनली आई वुड से कि फाइनेंस तो कहीं से भी आ जाता है, लेकिन जो ट्रेनिंग्स, जो टीचिंग्स, जो फेथ, और जिस तरह से उन्होंने भी इस चिकित्सा को एक्नॉलेज किया है, अब तक एक्यूपंक्चर को जिस तरह से इन्होंने बढ़ावा दिया है, इनके वजह से जो मेरे पास अब तक इतने सारे पेशेंट्स आते रहे हैं, सो जस्ट सर आई विल टेक 2 मिनट ऑफ यूज, एंड आपको यहाँ चढ़ाना मेरे लिए कठिन है, सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू जस्ट वेलकम यू। Counselor, whatever you may call, which is needed for the patient. Because the cure of the patient is not only because of medicine or the treatment, it is also due to the confidence the person who gives the treatment creates in the mind of the patient. First is creating confidence and then the results because of the action. I happen to be the president of Shushrusha Cooperative Hospital. It's not very important. For 35 years, I'm associated with the medical field. And I'm the treasurer and chairman. It's a first of its kind of cooperative hospital with 30,000 shareholders and other. And the second hospital is coming up at Vikrori, Kandamar Nagar, which is a 100 crore project. So the reason I'm saying that I interacted with more than 200 to 300 medical practitioners very closely. I visited my company, I am the chairman of Kaplan, and we are also in pharma. So I visited the clinics
hospitals of doctors from all over India. 25 years I traveled all over India, but I have never seen a person like Dr. Patel. When I first visited his clinic earlier, the new center is different. I found cleanliness, or Modi is trying to build that, none of the earlier Prime Minister thought of cleanliness. I've been traveling all the world, so I know how cleanliness is important for hygiene, how cleanliness builds up the community. Mahatma Gandhi had said, cleanliness is next to God. But Pandey's clinic, or anything, is clean, clear, crystal clear, and the entire staff has a knowledge, skill, because he has the knowledge, skill, and warmth. Not enough to have a knowledge, it is important to have a skill, and it is important to transform that skill into the result. So we have achieved that, and I would say I am lucky to have association with him. And therefore I hope he will continue to succeed. This is the sixth year, and I have seen when I started meeting him, he used to come from so I know the travel, and I am very happy that he is in Arno. So we want his energy to be survived, and we want his health to be good. I hope he is not required to take acupuncture, but if he is required, there are people who will keep. So I wish him good health, good family health, happiness, and success. And many, many patients. I have personally been the patient, my wife was a patient, but I have seen my vertigo was cured by him in 7 sittings, which my doctors, as a president, all doctors were available for me. They couldn't cure, getting cured. So my personal experience is also there. Lower back, cervical. So I think acupuncture is a treatment most affordable, most economical, and most effective. Thank you. Thank you.